हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं झटपट बनने वाली प्याज की सब्ज़ी। इसके लिए हमने एक नॉन स्टिक पैन में 2 चम्मच तेल गरम किया है, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 3-4 हरे मिर्च, हल्का सा इन्हें भून लें, और 5 कटे हुए प्याज मैंने यहाँ पर डाले हैं। इन्हें थोड़ा मोटा मोटा काटा है, बहुत बारीक नहीं करना। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें डालें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, और एक बार फिर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये सब्जी झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। लगभग 5 मिनट के लिए अब इसे हम कवर कर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद आप इसे खोल लें। प्याज हाफ कुक हो गया है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। सब्जी को हम क्रंची रखेंगे। एक बार फिर अच्छी तरह से चला लें और अब इसमें हम सभी मसाले अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। आप इन्हें अपने टेस्ट के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया है, इसलिए इस तरह से आप सब्ज़ी को बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए, और पराठों में भी फिल कर सकते हैं। गर्मियों में प्याज ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन जिन्हें कच्चा प्याज ना पसंद हो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें और कैसे बने मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।